अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 10 kg मिनिमम। तो जब बंदा लाहौर में पहुंचा हुआ है तो हम इसको देखेंगे लाहौर की नज़र से कि हम लोग ट्रैवल करते हुए कराची से आ रहे हैं, पाकिस्तान का एक फूड टूर चल रहा है और मैं वैसे लाहौर होता हूं लेकिन आज मैं लाहौर को इस नज़र से देखूंगा कि मैं लाहौर का नहीं हूं। जो बाहर के लोग हैं मतलब और शहरों के लोग हैं वो लाहौर को किस नज़र से देखते हैं, लाहौर के खाने को, तो सबसे पहला नाम आता है फज्जा के सिरी पाए, जो कि मुझे पसंद नहीं है। फज्जे के सिरी पाए ऑनेस्टली मुझे याद भी नहीं है आखिरी दफ़ा मैंने कब खाए होंगे, क्योंकि जो लाहौर में रहने वाले लोग हैं वो फज्जे पे, जेदी के पान पे और आरिफ चटकारा पे नहीं जाते। इन जगहों पे वो लोग जाते हैं जो लाहौर से बाहर से आते हैं, क्योंकि सबने सुना होता है जी लाहौर जा रहे हो तो फज्जे के पाए खाना, लाहौर जा रहे हो तो आरिफ चटकारा खाना, लाहौर जा रहे हो तो जेदी का पान खाना। सो आज हम लाहौर को इस नज़र से देखेंगे कि हम एक पाकिस्तान टूर कर रहे हैं और हम लाहौर के रहने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मैं पहुंचा हूं फज्जे की सिरी पाई खाने के लिए अंदरून लाहौर में। एक खूबसूरत वाइब है, कमाल की, मतलब अंदरून की जो गलियां हैं, अंदरून के लोग, सुबह सुबह की वाइब। और ये सामने फज्जा है, फज्जा सिरी पाई, दी ओल्डेस्ट आई थिंक सिरी पाई इन लाहौर। और यहां पे माहौल क्या चल रहा है, आज वीक डेज हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश नहीं है। इट्स लाइक ए स्टीम टब, मतलब एक इतना बड़ा उन्होंने वो परात पतीला टाइप है, बहुत बड़ा, उसके साइडों पे इन्होंने बकरे के पाए लगाए हुए हैं, दरमियान में उस बकरे का सारा शोरबा पड़ा है और वो पाए को जो है वो शोरबे से उसके ऊपर उलटाते रहते हैं ताकि उसका टेस्ट जो है वो समाता रहे उसके अंदर, मीट के अंदर, तो ताकि वो गीला रहे और ज़्यादा स्टीम के साथ पकता रहे, स्लो कुकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे ऐसे स्टीम उड़ रही है जिस तरह लग रहा है कि वो पतीला जो है ना वो किसी बादलों के अंदर है। बहुत खूबसूरत माहौल है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या माहौल चल रहा है बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये बकरे के सिरी पाए हैं, फज्जा सिरी पाए वाले। अच्छा, तो ये कितना पुराना है ये सिरी? ये सर 53 की से शुरू किया है। 1953? जी जी। तो एक दिन में कितने पाए बन जाते हैं? ये 150 हाँ जी, ये सेल हो जाते हैं। और वीकेंड पे? वीकेंड पे ज़्यादा काम होता है, 250। ठीक है। Seriously, I'm not excited for this. By disclaimer, ऐसा कोई सीन नहीं है कि मैं डिफेम करना चाह रहा हूँ या जी मैं कह रहा हूँ कि फज्जा मुझे पसंद नहीं, मतलब मैंने फज्जा खाया, मैं मतलब मेरी हाइप जो है ना वो बहुत उसकी ऊपर थी जब मैंने खाया शुरू में, कोई 2.5-3 साल पहले, तब मुझे कुछ बेहतर लगा, फिर मैंने दोबारा एक दफ़ा खाया, मैं ये क्या पाई है, मतलब इतना क्यों मशहूर है। तो आज हम इसलिए खा रहे हैं कि हम लाहौर आए हुए हैं, वैसे ही हम एक पाकिस्तान टूर कर रहे हैं, हम लाहौर के रहने वाले नहीं हैं। शक्ल अकल उसकी बहुत अच्छी है, नो डाउट, देखने में वो लग रहा है कि प्रॉपर रेडिश उसका शोरबा और साथ में पाए ऊपर इन्होंने एक कुछ चटखारा सा मसाला डाला हुआ है, इन्होंने हमें एक दिल की शेप का नान बना के दिया। ले जी फज्जा, 2.5 साल बाद में आया हूँ तेरे पास। शोरबे का टेस्ट इज़ रियली गुड, लेकिन बिल्कुल पानी, मतलब ये है कि मुझे लगता है कि पाए वो होने चाहिए कि जो प्रॉपर ऐसा शोरबा हो कि ज़रा थिक थिक सा हो और हाथ आपके चिपकें, इधर ये बिल्कुल मुझे लग रहा है कि यखनी जैसे होती है ना। अभी हम उठाएंगे जी पाए फज्जे दे, नाइस टेंडर, इतना कि वो मैंने सिर्फ उठाया उसके और वो बोटी हड्डी उसकी बाहर आ गई है वैसे ही। सो ये है जी एक पाया मैंने खाया, मुझे मज़ा आया। ओके जी, बड़ी सी एक बाइट बनाते हैं ताकि एक प्रॉपर मुझे फ्लेवर उसका आ सके। यार मैंने बड़े अरसे बाद खाया और टेस्ट जो है वो इम्प्रेसिव तो बिल्कुल नहीं है जिस तरह मुझे पहले ऑलरेडी इस चीज़ का पता है, लेकिन अगर मैं इसको देखूं कि अच्छा जी मैं बाहर से कुछ पाए खाने आया उस हिसाब से ठीक है, मतलब मैं अगर मेरा मूड हो रहा है कुछ पाए खाने का
और बहुत ही नॉर्मल मुझे पाए जाएंगे। असल में जब आपने घर के पाए बहुत अच्छे खाए हो ना, आपको बाहर के पाए पसंद नहीं आ सकते। बट अगर इसको इस नज़र से देखें कि आप पाकिस्तान में किसी और इलाके से आ रहे हो और आप बहुत सुन के आ रहे हो कि फट जाओ के सिरे पाए और ये वो, तो आपकी होप बहुत हाई नहीं होनी चाहिए। मिस्टर बिल, कैसे लगे पाए आपको? यार मैं किसी एक ऐसे लाहौरी को नहीं जानता कि जो फज्जा पसंद करता हो। आप जानते हैं किसी एक लाहौरी को? बनी हुई है फॉर सम रीजन, लेकिन है नहीं। यार वो उस दौर की बनी हुई है जब कंपटीशन नहीं था। खैर नो ऑफेंस, अभी हम लोग कोई लस्सी पियेंगे, ये सामने कोई भी पी लेते हैं लस्सी। लस्सी पीते हैं, उसके बाद हमारा कोई ब्रेक है लंच में कोई 3-4 घंटे का, फिर हम लस्सी चढ़ा के सो जाएंगे। लाहौर में आप कहीं भी फिर रहे हो, सिर्फ आपने एक ब्रेक लेना 2 मिनट का और लस्सी मिल जाएगी। हाँ, जेदा इज़ दी बेस्ट लस्सी इन लाहौर, लेकिन वो सुबह इतनी अर्ली होता है कि भाई जा नहीं पाया। गुड लस्सी यार, मतलब सीरियसली लाहौर में मोस्टली आप किसी भी जगह, नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैं कहने लगा था मोस्टली किसी भी जगह से पी लो अच्छी लस्सी होगी, लेकिन मैंने कुछ बुरी लस्सियाँ भी पी हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर अच्छी लस्सी ही मिलती है। यार लस्सी मैंने पी, इनिशियली मुझे अच्छी लगी, जब मैंने पूरा ग्लास पिया तो मुझे और बिलाल भी दोनों को जो है वो लस्सी ने कोई चस करवाई है। सो गुड, कुकी चढ़ेगी। ये इस तरफ पीछे फज्जा है और फज्जे के बिल्कुल इधर ये दुकान है, कोई नाम नहीं है ऊपर, इस तरह ये चेक कर लो, ये वाली जगह लस्सी ट्राई करना, अच्छी लस्सी है। नेक्स्ट लोकेशन पे जाने के लिए मैं मंगवाऊंगा इन ड्राइवर और इसमें हम लोकेशन ऐड करेंगे कि हमने कहाँ जाना है, सेलेक्ट राइड रिक्वेस्ट, और इसके बाद मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट जिसमें मैं अपनी मर्जी का ड्राइवर और अपनी मर्जी का फेयर चूज करते हुए गाड़ी मंगवा सकता हूँ। लेट्स गो। पहुंच चुके हैं हम लोग अपने दिन के सेकंड स्पॉट पे और वो है ढाका भैया बिरयानी। मैंने इसकी तारीफें बहुत सुनी है लेकिन मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ यहाँ आने का। कुछ 6-7 महीने से मैं सुन रहा हूँ कि ढाका भैया की बिरयानी बहुत आला है, बहुत आला, काफ़ी लोगों से मैंने सुना। आज मैंने सोचा कि फूड का पाकिस्तान में जब हम लाहौर से गुजर रहे हैं तो हम ढाका भैया की बिरयानी ट्राई कर लेते हैं जिसकी इतनी तारीफें हैं। तो मैं पहुँच रहा हूँ ढाका भैया पे, ये गड़ी शाह वाली साइड पे है। इसकी लाहौर में वैसे 4 ब्रांचेज हैं, आप लोग गूगल मैप पे सर्च कर सकते हो। मैं गड़ी शाह वाली ब्रांच पे, जो इनकी मेन ब्रांच है, काफ़ी बड़ा ये रेस्टोरेंट है। इसमें ओपन ही सामने इन्होंने देगे लगाई हुई है जिसके मतलब बड़े बड़े पतीले हैं जिसके अंदर बिरयानी आ रही है। तकरीबन मेरे खड़े खड़े काफ़ी दफ़ा बिरयानी आ चुकी है, मैं पूछूंगा कि कितनी बनती है या क्या सीन है। उसके अलावा पुलाव है, शामियां बन रही हैं, एक साइड पे कढ़ाई का सेटअप है, मतलब 4-5 चूल्हे लगे हुए हैं, उस पर कढ़ाइयाँ बन रही हैं, चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई। तो मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मुझे भूख फुल लग रही है और मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ कि यार क्या सीन है। अभी अंदर जाएंगे, सिटिंग एरिया जो है वो काफ़ी है, ऊपर भी सिटिंग एरिया है ओपन एयर और अंदर इनडोर फैमिली एरिया भी है, मतलब साफ़ सुथरा माहौल है, एक देसी रेस्टोरेंट जैसे होता है। तो अभी ट्राई करूंगा मैं, फुल बिरयानी लोग ले रहे हैं ठका ठक और चल रहा है काम अन्य वाक का। आई डोंट नो अबाउट द टेस्ट फिलहाल, लेकिन शक्ल बिरयानी की देखने से मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ कि मैंने अभी तक लाहौर में इस नस्ल की, इस शक्ल की बिरयानी नहीं देखी। नस्ल तो हमें खा के पता लगेगा, इस शक्ल की बिरयानी मैंने लाहौर में अभी तक नहीं देखी। इतनी कोई क्लासिकल, मतलब मुझे देख के जो ऑथेंटिक कराची की बिरयानी वाली वाइब आ रही है, एग्जैक्ट कलर्स और मसाले उस तरह से नज़र आ रहे हैं और जो यहाँ पे रश है वो बता रहा है कि हाँ बिरयानी अच्छी हो सकती है, शक्ल से लग रही है और कुछ मुँह उड़ रही हैं, पुलाव है साथ में, बिरयानी है, एक तरफ कढ़ाइयाँ बन रही हैं, हैवी सीन है, खा के चेक करूँगा।
तस्वीर हो गई है, ये पूरा सीन देख के मतलब मैं हैरान इस चीज़ से हूँ। मुझे बिरयानी देखने में बहुत अच्छी लगी थी आते ही, मैंने कहा यार ये कलर बिरयानी का लाहौर में, हाउ इज़ इट पॉसिबल। अभी मैंने देखा है कि एक देख जब मैं आया हूँ, एक देख मेरे सामने आई है और उसको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं मैक्सिमम वो देख गई, अभी फिर से नहीं देख आई है। और वो कह रहे हैं कि इसी तरह हमारी तकरीबन 6-7 मिनट 10 मिनट के गैप से देखें आती रहती हैं, ख़त्म होती रहती हैं, और 50-60 बिरयानी की देख एक दिन के अंदर निकलती है। तो वो समझ आ रही है कि 10-15 मिनट में अगर एक देख आ रही है तो ये तो काम बहुत हैवी किस्म का है। और साथ में पुलाव है, पुलाव इतना ज़्यादा नहीं चल रहा मैंने देखा है, जितनी देर से मैं खड़ा हूँ पुलाव के तकरीबन 3-4 ऑर्डर गए हैं, लेकिन मैं खा के देखूंगा कि वो भी कैसा है। और साथ में कढ़ाइयों का हैवी सीन है यार, एक प्रॉपर जो आपको फूड फील आती है ना वो आ रही है इस किचन में खड़े होकर। ओपन किचन है ये, सामने रोड चल रही है। हमें ढाका भैया पे खड़े हुए तकरीबन कोई 45-50 मिनट्स हो चुके हैं सिर्फ इस बीफ कढ़ाई के लिए, जिसका माहौल जो है वो काफ़ी ऑन हो गया है। इन्होंने मतलब बीफ कढ़ाई बनने में टाइम था, उन्होंने प्रेशर कुकर में डाला, मीट को जो है वो हाफ डन किया, वो करने के बाद कढ़ाई में लाई, और मेरे मुंह में पानी की लहरें हैं क्योंकि मैं बिरयानी देख ली है। बिरयानी के बाद मुझसे रहा नहीं जा रहा कि क्या सीन है। अभी ये बीफ तैयार होगा, बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, उसमें क्रीम, मलाई, दही और इस तरह की चीज़ें डाल रहे हैं। और ये जो काफ वाला हिस्सा होता है, मछली वाला जो हिस्सा होता है बीफ का, ये उसका बीफ कट इन्होंने किया हुआ, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अन्नी पादो प्रोग्राम होगा, लेकिन देखते हैं। क्या क्या मिलेगा इस टाइम? बिरयानी है, पुलाव है, कढ़ाई वगैरह है। ठीक है, आधा किलो बीफ कढ़ाई, आधा किलो चिकन कढ़ाई, 2 बिरयानी और एक पुलाव का सिंगल पुलाव, जर्जाबाद में। हाँ ठंडा हो जाएगा। ओ मैं रह गया, हैवीएस्ट फूड। हम लोग तकरीबन 4:30 बजे के यहाँ पे आए हुए, इसकी मेकिंग देख के, चीज़ें कार करा के, और ऊपर से खाना इन्होंने लाने में बहुत देर की, आधा घंटा लगा है, सारी लाइट चली गई थी, इतना प्यारा फ्रेम बन रहा था जब हमने ऑर्डर दिया। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 10 kg मिनिमम, या मेरा ख्याल है कि 12-13 किलो, ओहो बहुत ज़्यादा वजनी है। आधा किलो मैंने बीफ कढ़ाई मंगवाई है, आधा किलो चिकन कढ़ाई है, साथ में 3 फुल बिरयानी है, जर्दा है, पुलाव है, रोटियां है, नान है, हैवी माहौल है। सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा बिरयानी, जिसके लिए इतना मुझे तरसाया है, इन्होंने डबल बिरयानी मंगवाई है जिसमें 2 चिकन के पीस होते हैं, मेरी स्पीड के लिए माजरत। और फुल ऑन मैंने जिस तरह पहले आपको जब बन रही थी तब मैंने बताया कि मैंने इस शक्ल की बिरयानी लाहौर में बहुत रेयर देखी है, तो खा के चेक कर लेते हैं कि क्या ये है ऐसी कि नहीं। वेरी गुड एवरेज बिरयानी, मतलब बहुत अच्छी बिरयानी है। अगर मैं लाहौर के अंदर बैठे हुए देखूं कि हाँ मैं लाहौर में बिरयानी खा रहा हूँ, उस हिसाब से बहुत कमाल है। अगर मैं कंपेयर करना, मतलब मुझे देख के जो है ना वो मेरे जहन में लेवल जो है वो कराची की बिरयानी पे चला गया था कि भाई ये बिरयानी कुछ हकीर कर देगी। अच्छी बिरयानी है, बहुत अच्छी, ऐसा नहीं कह रहा कि अच्छी नहीं है, बट जितना मुझे वो कलर्स में फील हो रहा था उतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, माइल्ड है, अच्छी बिरयानी है। और वो टच इसमें लाजमी है जो लाहौर या पंजाब में कहीं भी बिरयानी का होता है, जो आपको मिर्चें लगती हैं, कराची में आपको मिर्च नहीं लगती, आपको मसाले फील होते हैं, टेस्ट फील होता है, अच्छा टेस्ट है इसका भी। यार बिरयानी मुझे मज़े की लग रही है, एक बिरयानी फील आ रही है जो कि हमें अक्सर यहाँ पर नहीं आती, लेकिन वो है बिरयानी फील है, लेकिन बिल्कुल ही माइल्ड सी है। मुझे लग रहा है कि मैं राइस खा रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा नमक है, थोड़ी सी मिर्चें हैं। ऑथेंटिक बिरयानी जो लेवल जहन में जा चुका था उसकी शक्ल देख के, एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं है, बट हाँ अगर मेरा बिरयानी खाने का दिल कर रहा है, मुझे बिरयानी की वाइब चाहिए, उस हिसाब से बहुत अच्छी बिरयानी। बीफ कढ़ाई जो प्रॉपर मसालों में बनी हुई है, ऊपर भी इन्होंने जो है वो प्रॉपर गार्निशिंग की हुई है अपनी तरह से, जैसे हम कह सकते हैं कि बर्फ़ी कट टाइप सीन है। ओए यार हम लोग छत पे बैठे हैं, रोटियाँ ठंडी हो गई हैं। ओके मैं तो बीच में ही खाने लगा हूँ। लो जी पूरा मैंने बीफ का पीस उठाया और इतनी अच्छी बीफ कटिंग हुई है,
जिस तरह आपको एक मीट की वो बीफ की जो कढ़ाई होती है बहुत रेयरली आपको अच्छी कटी भी मिलती है, तो ये उस हिसाब से बहुत अच्छी है और बड़ी क्रीमी सी इसकी ग्रेवी है। ये बीफ कढ़ाई की एक बाइट, ग्रीन चिलीज मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं जो इन्होंने डाली हुई है, धनिया वगैरह डाला हुआ है। फिर यार बहुत मज़ेदार कढ़ाई, इतनी मज़ेदार कि मुझे फील नहीं हो रहा मैं बीफ खा रहा हूँ। लाहौर में बैठ के ये जब फील हो तो गलत होता है। मजाक करो यार, बीफ कढ़ाई इज़ टू गुड। मतलब जो बीफ के पीसीज हैं वो इतने टेंडर हैं कि मुझे वो बाइट करते हुए जो है ना ऐसे च्यूई फील नहीं आ रही कि यार मतलब इसमें फैट है या ऐसा कुछ नहीं, इतना क्लीन, बहुत आला सीन है। और जो इसकी ग्रेवी है उसके अंदर इन्होंने जो दही डाली है उस दही में इन्होंने मलाई भी ऐड की होती है, दही और मलाई प्लस इन्होंने जब उसके बाद इसके अंदर क्रीम डाली है तो वो इसका जो पूरी ग्रेवी है वो इतनी ज़्यादा क्रीमी, इतनी बटरी सी फील है आपके मुंह के अंदर, वो घुलती है जाके। अच्छा, बीफ कढ़ाई मैं खाता जा रहा हूँ तो ये स्पाइसी है, मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने बिरयानी की भी मिर्चें इसके अंदर डाल दी हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको मिर्चें मुझे फील होनी शुरू हो रही हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि वाइल्ड हो बिल्कुल ही। हाँ, अच्छी स्पाइसेस लग रहे हैं मुझे, साथ में एक ऑथेंटिक ऐसी क्रीमी सी ग्रेवी आ रही है, अच्छे अच्छे फ्लेवर्स, ऐसे मिक्स फ्लेवर्स आ रहे हैं उसके, और साथ में बीफ की, भाई मुझे बीफ से ज़्यादा मटन लग रहा है। आई लाइक द बीफ यार, ओहो बीफ बहुत ही आला नस्ल का। जब ये ग्रीन चिलीज इन्होंने एंड पे डाली हुई है, मतलब बीच में भी डाली हुई है, एंड पे डाली है, वो क्रंच एकदम मुँह में आता है। उसके अलावा धनिया और पुदीना टाइप चीज़ों का एक एरोमा मुझे फील हो रहा है कि हाँ इसके अंदर कुछ मसाले हैं, गरम मसाला टाइप, हल्की हल्की काली मिर्च। अगली चीज़ हमारे पास है पुलाव, और पुलाव मेरे स्पून, पुलाव नॉट वेरी ऑयली बट शाइनी 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 पुलाव। पहले वैसे ही एक इसकी बाइट लेके देखते हैं। मज़े का यार, यार पुलाव की गेम ऑन है, और इसमें मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है एक नमकीन पुलाव है कि जिस तरह कि नमकीन वो नहीं होते नमकीन टिक्के और ये चीज़ें, तो ये नमकीन पुलाव लग रहा है क्योंकि शायद नमक ज़्यादा है, जो भी है बहुत मज़े का एक अलग सा है, जिस तरह ज़्यादा सॉल्टी सा, और पुलाव की प्रॉपर एक वाइब है जिस तरह हल्की हल्की सी यखनी की फील आ रही है बीच में। ओहो आखिरी चीज़ मेरे पास है जर्दा, और जर्दे से मैं ज़रा इम्प्रेस, इसलिए मैं कहीं पे जर्दा मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं करता कि ओह वाह जर्दा है। जब मैंने नीचे देखा प्लेटें मान रही थी, उसने जर्दे में इतना खोया डाला, उसके ऊपर गुलाब जामुन रखा, मैंने कहा ये तो चलेगा ही चलेगा। अभी इसमें हमारे पास प्रॉपर उसने मतलब इतना खोया डाला हुआ है, साथ में गुलाब जामुन रखा हुआ है, मैं इसे ही खोया और गुलाब जामुन और मंगवाऊँगा क्योंकि ये तो मेरी दो बाइट्स के अंदर रगड़ा जाएगा। तो ये हम ऐड करेंगे इसके अंदर खोया, और आधा मैं गुलाब जामुन तोड़ूँगा जो कि थोड़ा सख्त सख्त है। खोया, गुलाब जामुन, रंगीला सा जर्दा, अपनी अपनी प्लेटें मंगा लो खुद ही। भाई ये जर्दे की और प्लेटें आएंगी अब टेबल पे, इंतहाई मज़ेदार, इंतहा से ज़्यादा मज़ेदार। और वो इसलिए कि जर्दा जो ऑथेंटिक आप जर्दा खाते हैं जिसमें एक फील होती है जर्दे की, मीठा मीठा सा कलरफुल, जो बादाम का पूरा टेस्ट आ रहा है बीच में, मैंने इस तरह एक बाइट लिया तो बादाम मेरे वो जिस तरह बादाम नाक को चढ़ता है ना वो वाला सीन हुआ है। और खोया इन्होंने डाला हुआ है वो ज़ुबान पे जब राइस के साथ लगा, साथ में जो रसगुल्ले आए हैं, ओए होए 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 फूल खुर गया है ज़ुबान पे जाके। आप लोग ढाका भैया पे आके कुछ और ट्राई करो ना करो, जर्दा लाजमी करना, जर्दा और बीफ कढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ें। बिरयानी भी बहुत अच्छी है, वो हर किसी का बिरयानी में अपना अपना कुछ हो सकता है, हो सकता है कईयों को बहुत ज़्यादा पसंद आए, कई लोगों को एवरेज लगे। और ये वो खोया जो अक्सर मुझे तो ऐसा होता है, मुझे इंतज़ार होता है कि किस मोहल्ले में किसके घर इतनी अच्छी जर्दे की देख पके जो आए खोए वाला, ये वो वाला सीन है। तो ये तो बहुत फिट है यार। बेस्ट टाइम ऑफ द डे इन ड्राइवर की मर्च गिव अवे जो मैंने खुद भी पहनी हुई है। सर ये आपके लिए,
तो यार बड़ी मजे की कढ़ाई बनाई थी आपने। अभी हम लोग मंगवाएंगे इन ड्राइवर और अपने अगले स्पॉट पे जाएंगे। अभी हमने जाना है अंदरून वाली साइड पे और हम लोकेशन ऐड करेंगे अपनी। हमें अपने नेक्स्ट स्पॉट पे पहुंचना है बहुत जल्दी और यहाँ पे एक सेक्शन है कमेंट एंड विशेज। यहाँ मैं अंकल को बोलूंगा कि अंकल प्लीज जल्दी आ जाओ। कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, उनसे कोई चीज आप मंगवानी हो या कुछ भी कहना हो। फाइंड अ ड्राइवर। तो आप कहाँ रहते हैं? मैं लॉरेंस रोड। अच्छा, सही सही। तो ये इन ड्राइवर आप कब से चला रहे हैं? शुरू तो मैंने की थी करें। अच्छा, अभी इन ड्राइवर पे स्विच किया आपने? स्विच किया, करें भी है मेरे पास, ऊबर भी है। सही है। तो कैसा चल रहा है इन ड्राइवर पे आपका? सारा सही है। अच्छा, ज़बरदस्त। सही सही। वो जो क्रीम ऊबर जो है ना वो पीछे रह गई। अच्छा, हाँ जी, उनकी बहुत कम राइड आती है। अच्छा, उनकी राइड कम आती है, अब इन ड्राइवर की ज़्यादा राइड आ रही है। ओके ओके ओके। वो महंगे हैं ना, यही सफ़र आपने क्रीम पे लेते हैं। हाँ जी। तो आपका 1000 रुपया बन जाना। बिल्कुल ऐसी है। ऊबर पे लेते 1100 बनना था, ऊबर उस क्रीम से भी महंगी है। सही है। इस पे मेरा बन रहा है शायद 650-700। हाँ, इसी तरह। सही है। और फिर इसके अंदर ये है कि वेटिंग कोई नहीं है। हाँ जी। माइलेज अगर आपको रश हो गया, रास्ता बदलना पड़ गया, ठीक है, उसका भी कोई आपको प्लेंटी नहीं पड़ेगी। सही सही। रास्ते में 1/2 घंटा लग गया, आपको वेटिंग कोई नहीं पड़ेगी। हाँ जी, ये फ़ायदे हैं। हाँ जी, तो इस वजह से सब लोग ने इस पर स्विच हो गए। तो कहते हैं यार वेटिंग ही नहीं है, तो वेटिंग जो है वो 5 रुपये मिनट है उनकी। हाँ जी। ये सर आपके लिए इन ड्राइवर की एक हुडी है। अच्छा। हाँ जी, इन ड्राइवर की हुडी है ये। अच्छा भाई, हम आ चुके हैं अंदरून वाली साइड पे फिर से और अभी मैं हूँ आरिफ चटकारा पे। आरिफ चटकारा मतलब लाहौर का नाम है तो आरिफ चटकारा का नाम आता है, आरिफ चटकारा का नाम है तो लाहौर का नाम आता है। ऐसी चीज़ें जिस तरह फज्जा है, और फज्जे पे जिस तरह मैं सुबह जिस वजह से आया था उसी वजह से मैं आरिफ पे भी आया हूँ। बाकी मैं आपको फूड टेबल पे बैठ के बताऊँगा कि मुझे क्या अगर मसला है इससे तो क्या मसला है। लेकिन आरिफ चटकारा एक लाहौर का बड़ा नाम है खाने में, जो मेरे ख्याल से हुआ करता था, अभी भी है। लेकिन हाँ, इसकी मेकिंग का कोई जवाब नहीं है। जितने लेवल से यहाँ पे फूड बन रहा होता है वो एक वो वाकई में नेक्स्ट लेवल है। तो वो मैं ट्राई करता हूँ। चटखारा पे माहौल अन्नी पौधों को गुलाम लगा हुआ है। मतलब मैं आरिफ चटखारा तकरीबन ज़िंदगी में शायद 2 या 3 दफ़ा आया हुआ हूँ और तीनों दफ़ा मैं इसके माहौल से इतना इम्प्रेस होता हूँ। मतलब आपको एक ऑथेंटिक जो स्ट्रीट फूड वाइब आती है ना,
मतलब अगर मैं किसी ऐसी जगह, मतलब इतना हैवी यहाँ पे मेकिंग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तवे लगे हुए हैं और 6 तवों के ऊपर बड़े बड़े, इनके बड़े बड़े शॉपर के अंदर तकरीबन ऐसा लग रहा है एक शॉपर में ये कितनी मुर्गियाँ होंगी? 10 होंगी। 10 मुर्गियाँ एक शॉपर में। और ये कितनी, कितना तवा पीस लगता होगा डेली? डेली तकरीबन सर लग जाता है कोई 250-300 मुर्गी लग जाती है। 250-300 मुर्गी? जी सर। ये आप अभी कौन सा दवा पीस लेके खड़े हैं? ये मेरे पास सर ले गए यहाँ से चेस्ट उठाना है मैंने। अच्छा, ज़बरदस्त। यहाँ से मतलब 250-300 मुर्गियाँ वो कह रहे हैं लग जाती हैं और एक तवे के ऊपर जो है वो सिर्फ बंदा उसको ये ऊपर से ही बनी बनाई आती हैं, रोस्ट मतलब बारबेक्यू हुई होती हैं या स्टीम हुई होती हैं, फिर तवे पे आती हैं, उस पर ये स्पाइसेस ऐड करते हैं। इनकी एक स्पेशल सीक्रेट सॉस है जो आरिफ चटखारा की है, वो ज़रा ऐसे ना ब्राउन, लाइट ब्राउन से कलर की सॉस है इनकी स्पाइसेस वाली, वो डालते हैं ऊपर ढेरों, उन्होंने पूरी बाल्टी रखी हुई है। उसके अलावा ये ग्रीन चिलीज कट करके डालते हैं और उसको तवे के ऊपर घुमाते हैं, थोड़े मसाले डालते हैं और यहाँ पे सारे बंदे यही कर रहे हैं, कुछ बोनलेस कर रहे हैं, कुछ उसी को तवा पीस बना रहे हैं, तो बड़ा एक आला नस्ल का माहौल यहाँ पे चल रहा होता है। प्रॉपर आपको अंदरून की वाइब आती है, यहाँ खड़े हो, बाज़ार चल रहा है, लोग गुजर रहे हैं और बीच में ये सारा तवा पीस का सिस्टम चल रहा होता है। यहाँ खुशबू मुझे चढ़ रही है। ये हमारी स्पेशल टिक्की है। क्या ये? ये अंडा टिक्की है। अंडा टिक्की? जी जी। ज़बरदस्त। और क्या क्या खाने वाला है? खाने वाला कीमा भी है, तवा पीस भी है, फेमस हमारा ये तीनों चीज़ें फेमस होती है। सही है, अंडा टिक्की भी और तवा पीस भी और कीमा, बीफ का कीमा होता है हमारे पास। ज़बरदस्त, शुक्रिया। सब माल हमारे पास फ्रेश आता है। अच्छा, सही है, शुक्रिया। आरिफ चटखारा का चटखारा खाएंगे। अच्छा, आज मुझे लग रहा है कि ये जो बनता हुआ आज मैंने देखा है ना, मुझे लगता है या तो वो कैमरे देख के उसने बहुत ज़्यादा सॉस डाली और बहुत ही ज़्यादा उसने जूसी, मतलब मुझे जो तवे पे आज देख के फील हो रहा था ना वो पहले नहीं हुआ, आज प्रॉपर जूसी और वो टपक रहा था जिससे हम वो रोटी के अंदर डाल रहा था। चेक कर लेते हैं। आज बहुत मिर्ची है भाई। बोनलेस और इसके ऊपर प्रॉपर ग्रीन चिली के जो है वो पीसेस डाल के, मुझे आज भी वैसे ही लगा जिस तरह हमेशा लगते हैं। अच्छा, इसका टेस्ट जो है ना वो यूनिक तो है, उसमें कोई डाउट नहीं कि इतना, मतलब वो जिस तरह एक तवा पीस सिंपली कहीं से खाते हो ठीक है, आपको पता लगता है अच्छा जी ये तवा पीस है, उसके ऊपर कोई मिर्च डाली हुई नहीं, इसमें एक यूनिकनेस है और वो उनकी वही जो ये ऊपर सॉस डाल रहे होते हैं वो सारी गेम उसके अंदर है, उसी में स्पाइसेस हैं, उसी की वजह से ये इतना जूसी। और जो एक बंदा अलग आधे घंटे की मेहनत करता है ना उसके ऊपर, वो मार के उसके लाइनें बनाता है अंदर, उसको तोड़ता है, और वो इसलिए होता है कि उसके बाद में जो ऊपर सॉस डाल रहे हैं वो उस प्रॉपर अंदर फ्लेवर जा सके, तो वो जब हम खाते हैं 2-3 दफ़ा उसको चुबाते हैं मुँह में तब वो अपना पूरा फ्लेवर छोड़ता है। और मैंने आज बोनलेस भी मंगवाया जो मैंने पहले कभी नहीं मंगवाया था, और बोनलेस बहुत मज़े का है क्योंकि उसके वो पीसेज हुए हैं, पीसेज की वजह से वो सारा मसाला उसके साथ मिक्स हुआ है, वो फिट लग रहा है। ओके जी ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा फूड का पाकिस्तान का लाहौर एपिसोड, और लाहौर एपिसोड जब इस व्यू के साथ एंड ना हो तो इसका क्या फ़ायदा। पीछे बादशाही मस्जिद और एक खूबसूरत लाहौर की वाइब। खैर, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें, भाई को दुआओं में याद रखना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। और कल वाले एपिसोड में हम कहां जा रहे हैं, अब आगे फिर से कुछ और क्रेज़ी शुरू हो रहा है। अल्लाह मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसे लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ कि तूने क्या किया, कि तूने क्या किया, कि तूने क्या किया।